साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे कतर से रिलेटेड, कतर के क्या अपडेट हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ क्या बोला, इससे रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई पहले बात कर लेते हैं कोरोना के अपडेट, कोरोना की कतर में क्या स्थिति है, आगे आने वाले टाइम पे क्या रहेगी। तो 15,500 प्लस अभी तक कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और मेरे हिसाब से गलत में सऊदी के बाद में कतर का नंबर आ रहा है कि इतने संक्रमित अभी तक हो चुके हैं, लेकिन डेथ का रेशियो बहुत कम है। अभी 12 डेथ यानी 12 डेथ अभी तक हुई हैं, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं पहुंची हैं। अगर रिकवरी की बात करें तो 1600 प्लस अभी तक रिकवरी इसमें हो गए हैं। आगे भाई देखिए, गवर्नमेंट दोहा कतर ने, गवर्नमेंट ने एक सहूलियत आप लोगों के लिए की है कि कोरोना महामारी चल रहा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, घर पे बैठी है, काम नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, कई प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि आपका जो कंप्यूटर कार्ड जिसको आप हकामा बोल सकते हैं उनको अगर आपका एक्सपायर हो गया है, उनके बिना आपको पता है कतर में कुछ हो नहीं पाता है, वो कंप्यूटर कार्ड इसीलिए बोलते हैं, सब कुछ उसी से होता है, वो एक्सपायर हो गया है, उसको गवर्नमेंट आपको 2 महीने के लिए ऑटोमेटिक रिन्यू कर देगी। समझ रहे हो बात को, हालांकि ये फाइनल नहीं हुआ है कि उसके बाद वो पैसा लेगी या नहीं लेगी, लेकिन 2 महीने के लिए ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा आपका, तो ये आपके लिए बेस्ट न्यूज़ रहेगी। आगे गवर्नमेंट ने एक प्ले स्टोर पे एक ऐप दिया है साथी, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप का नाम मेट्रास 2 है। मेट्रास 2 का इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर मान लीजिए कतर में बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें पूरा आप उसको डाउनलोड करके उसमें जो बायोडाटा मांगे जाता है, आपका एड्रेस पासपोर्ट नंबर है वो भरिए, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट मेल आईडी वगैरह भर के उसको फुलफिल करके आप भर लीजिए, ताकि आपको मान लो कल की कल को कोई सुविधा असुविधा हो जाती है आपको कतर में किसी भी प्रकार के एक्स वाई जेड, तो आप उस पर शिकायत कर सकते हो, आपका एक्शन लिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। और वो डाउनलोड करना गवर्नमेंट ने इमरजेंसी बताया कि हर आदमी के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड होना चाहिए, तो आप भी कर लीजिए। मैं ये डाल आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, इसका नाम लिख के प्ले स्टोर में जाओगे तो हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि ये 2020 से स्टार्ट है, समझ गए, और जुलाई तक चलेगा, तो टाइम आपके पास कम है तो आप जल्दी कर लीजिए। एक दूसरी अपन बात कर लेते हैं भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टिकट्स, आपको पता ही है गवर्नमेंट ने बायोडाटा मांग रखे हैं ताकि उनको पता लगे भाई कौन सी कंट्री के कितने लोग आने वाले हैं, उनको किस तरह से कहाँ मैनेज करना, कहाँ रखना, इसके लिए बायोडाटा मांग रहे हैं। आपको पता ही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्द ही आपका भी समाधान हो जाएगा। अब जैसे दुबई की बात करें, 1.5 लाख लोगों ने, 1,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया 3 दिन के अंदर, 1.5 लाख लोग तैयार बैठे हैं दुबई से आने के लिए। तो भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखना भी पड़ता है कि कहाँ रखेंगे, क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, तो थोड़ा वेट करें। बहुत सारे लोगों ने तो डाउनलोड कर लिया होगा, मैं तो वीडियो बाद में बना रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं किया है तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। उसमें कोई ज़्यादा उसमें है नहीं, उसमें यही है कि आपका नाम पता एड्रेस या फिर आपका मोबाइल नंबर, आपका वहाँ का नंबर, यहाँ का इंडिया का नंबर, आपका वहाँ का एड्रेस इंडिया का एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, आपने कोविड टेस्ट करवाया कि नहीं करवाया, ये पूरा बायोडाटा उसमें भरना है। नीचे एक शर्त लिखी होगी कि भाई एम्बेसी की शर्तें आपको माननी होंगी, इमिग्रेशन की शर्तें माननी पड़ेंगी आपको, आपका किराया लगेगा इतना, जो भी गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी बोलती है वो आपको काम करने पड़ेंगे। इस फॉर्म में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा फॉर्म है, आप भी भर सकते हैं। अगर आपको भरना नहीं आता है तो आप किसी पड़ोस से भरवा लीजिए, एकदम ईजी सा है, भर के सबमिट कर दीजिए ताकि आपका पूरा रिकॉर्ड एम्बेसी चला जाए, उसी के आधार पे आपके पास बैक कॉल या मैसेज आएगा और उसी के हिसाब से आप इंडिया पहुंच सकते हो। उसमें मैं कुछ बता दूं, आपका सबसे पहले ईमेल मांगा जाएगा, नाम मांगा जाएगा, एज आपकी भरनी पड़ेगी, जेंडर आप मेल हो पुरुष हो भरना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर आपको इसमें डालना पड़ेगा, जो भी मांगा है उसमें पासपोर्ट नंबर भरना है, रीजन बताना है आपको भी आप इंडिया क्यों आना चाहते हैं, आप जो कंपनी ने निकाल दिया, आप बीमार हो गए, आप एग्जिट आना आ रहे हो, आप मर्जी से आ रहे हो, ये चीज़ें जो भी रीजन है वो सही से ही भरना है आपको। कैटेगरी आपकी क्या, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, वर्कर हो, क्या वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। स्टेट इंडिया में आपका कौन सा स्टेट है, जैसे राजस्थान, आपका बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कौन सा वो आपको डालना पड़ेगा। फुल एड्रेस आपको इसमें डालना पड़ेगा साथियों, ठीक है, पूरा एड्रेस होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर कतर का भी डालना पड़ेगा और इंडिया का भी, दोनों का डालना पड़ेगा। नंबर जो वो डालो जो सही नंबर हो, जिस पे रिंग जा सके, वो नंबर आपको डालना है, ठीक है साथियों। कोविड टेस्ट आपने करवाया कि नहीं करवाया, ये सा नो में आप आंसर दे दीजिए। प्रोफेशन आपका काम क्या है, कौन सा काम आप करते थे वहाँ पे, वो आपको इसमें डालना है। रिमार्क, आपके बॉडी पे कोई निशान है तो वो आप इसमें लिख दीजिए।
आगे उसमें बस यही लिखा है, शर्तें लिखी हैं कि भाई आपको गवर्नमेंट जो भी पैसा बताती है वो आपको देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट की शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, एम्बेसी के जो भी एरोप्लेन हवाई जहाज वगैरह जो भी अधिकारी होते हैं वो जैसा आपको बोलेंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा, एम्बेसी की शर्तें माननी है, फीस आपको जो भी गवर्नमेंट टिकट का पैसा बताती है वो पैसा देना है, और आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रख करके रखेगी गवर्नमेंट। ये मैन समझ लीजिए भाई, 14 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने लिया है कि भाई आप जैसे कतर से आओगे 14 दिन गवर्नमेंट रखेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ 25 दिन होने तक आप घर पहुंचोगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन न करवाएं, आप 2-4 महीना ठहर के आएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे तो बढ़िया आप वहीं बैठे हो, यहाँ कैसी सुविधाएं मिलेगी, खाना रहना वगैरह कितनी प्रॉब्लम आएंगी वो थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, क्योंकि 14 दिन तो क्वारंटाइन सीधा सा गवर्नमेंट रखेगी, फिर आपका 2-5 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं लोगों को, यहाँ 14 दिन के बजाय 20-25 दिन भी लोगों को रहना पड़ा है, कई कई लोग तो इंडिया में 28-28 दिन क्वारंटाइन होके आए हैं, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, फिर आप वहाँ से निकलोगे घर पहुँचोगे तो आप इतना टाइम लग जाएगा आराम से, तो थोड़ा सा गौर करके समझ के फिर रजिस्ट्रेशन करवाएँ, और अगर 200% ज़रूरत नहीं है तो भाई 2-4 महीना ठहर के आ जाएँ, बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो के नीचे लिंक छोड़ दूंगा उसका फॉरम का, उसको आप क्लिक करोगे फॉरम आ जाएगा, मैंने जो बताया उस हिसाब से भर के सबमिट कर दीजिए, बाय डाटा पहुंच जाएगा। जैसे कोई नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।